नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, मैं हूं अपर्णा मौजम। रुक कर रहे हैं भोपाल से आ रही बड़ी खबर की ओर। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने दिया है बड़ा बयान, कहा है मैं दिल्ली नहीं जा रहा हूं, कल छिंदवाड़ा जाऊंगा, वहां कार्यकर्ताओं से मुलाकात करूंगा। छिंदवाड़ा में हम सारी सीटें हारे हैं, उस पर मंथन होगा क्योंकि लोकसभा में ये सभी सीटें जीतनी हैं। प्रधानमंत्री मोदी को 29 कमल के फूलों की माला पहनानी है, क्या कहा सुनवाते हैं आपको। मैं जा रहा हूं छिंदवाड़ा, जहां सातों विधानसभा की सीटें हम नहीं जीत पाए। मेरा एक ही संकल्प है, 29 की 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीते मध्य प्रदेश में, और श्रीमान नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री जी जो हमारे नेता हैं, उनके गले में 29 कमल की माला डाल के संपूर्ण बहुमत यहाँ से भारतीय जनता पार्टी को मिले और वो फिर से भारतीय प्रधानमंत्री बने। इसलिए 29 की 29 लोकसभा की सीटें जीतना ये हमारा अगला लक्ष्य है। जिस छिंदवाड़ा विधानसभा में हम विधानसभा की सीटें नहीं जीत पाए, कल मैं वहाँ जा रहा हूँ अपने कार्यकर्ताओं के साथ। तो शिवराज सिंह चौहान को आपने सुना, ये बड़ा बयान दिया है इस लिहाज से भी क्योंकि कहा जा रहा था कि 23 दरअसल ट्रेलर है और 24 है पूरी पिक्चर। 23 का नतीजा ये निर्धारित करेगा कि 24 में क्या होगा, और यहां शिवराज सिंह चौहान ने अपने लक्ष्य को साफ कर दिया है। शैलेंद्र चौहान हमारे सहयोगी भोपाल से लाइव जुड़ रहे हैं हमारे साथ। शैलेंद्र, क्या इसे उन तमाम अटकलों पर पूर्ण विराम माना जाए जो अटकलें ये कह रही थी कि शिवराज सिंह चौहान अगर राज्य में सत्ता नहीं संभालते हैं तो उन्हें दिल्ली बड़ी जिम्मेदारी के साथ भेजा जा सकता है। देखिए अपना मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के दो बड़े बयान सामने आए। आज वो लाडली बहनों के बीच गए थे, वहां पर उनको बीच उन्होंने खाना खाया और लाडली बहनों के बीच काफी खुश दिखाई दी, लेकिन साथ ही उन्होंने आज दो बयान दिए। पहले उनका एक बयान आया था जिसमें उन्होंने ये कहा कि मैं ना तो मुख्यमंत्री पद की दौड़ में कभी रहा हूं ना कभी हूं, मैं कार्यकर्ता, उन्होंने बताया, मैसेज दिया कि मैं कार्यकर्ता हूं और हमेशा कार्यकर्ता ही तरह पार्टी की जो भी लाइन होती है उस पर ही काम करता हूं। तो कहीं ना कहीं सीएम ने एक संदेश दिया कि जो पार्टी तय करती है वही काम हम करते हैं, एक ये बड़ा मैसेज दिया। उसके बाद दूसरा बयान आया जो कि लाडली बहनों के बीच थे, तब उन्होंने कहा कि मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा। तो ये उनका कहने का मतलब ये निकाला जा रहा है कि अभी मध्य प्रदेश के कई बड़े नेता दिल्ली में हैं, तो कहीं ना कहीं उन्होंने कहा कि मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा, मैं जाऊंगा अभी छिंदवाड़ा कल, और कल उन कार्यकर्ताओं से मिलूंगा क्योंकि हम सातों की सातों सीट वहां पर हारे हैं, तो हम उस हार की समीक्षा करेंगे। और हमारा लक्ष्य अब लोकसभा 2024 का चुनाव है और हमें 29 की 29 सीट जीतना है। पिछले चुनाव में लोकसभा में एकमात्र छिंदवाड़ा ही ऐसा गढ़ रह गया था कांग्रेस का जिसे भाजपा ढहा नहीं पाई थी, तो कहीं ना कहीं भाजपा का लक्ष्य है कि इस बार पूरी 29 सीटें जीते। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी आज उस बात को साफ कर दिया कि हमारा लक्ष्य पूरी 29 सीटें जीतना है। तो सीएम ने आज दोनों ही बड़े बयान आज बड़े चर्चा में है, और कहीं ना कहीं यह मैसेज भी दिया है कि पार्टी जो तय करती है पार्टी ही सब कुछ है, मैं एक सामान्य कार्यकर्ता हूं। तो दोनों ही बातों के अलग अलग अर्थ निकाले जा रहे हैं। अब यही देखना दिलचस्प होगा कि इन सारे जो बयान है इनका गहराई से अर्थ क्या है और दिल्ली क्या तय करती है। बिल्कुल, क्योंकि फैसला दिल्ली से ही आएगा और इसीलिए देखना दिलचस्प रहेगा कि दिल्ली क्या फैसला करती है। जिस तरह आपने ही कहा शैलेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और अब जिस तरह से ये शिवराज सिंह चौहान ने अपने लक्ष्य को साफ कर दिया है, देखना यह होगा कि कांग्रेस का इस पर क्या रिएक्शन रहेगा। और फिलहाल आइए आप देख लेते हैं 20 मिनट 20 खबर। क्या शहर, क्या गांव, क्या सड़क, क्या एयरपोर्ट, हर जगह पानी ही पानी। समुद्र में सैलाब उठ रहा है तो सड़क नदी में बदल चुकी है। ये सब कुछ हुआ मिचौंग की वजह से। वही मिचौंग जो तबाही मचा रहा है, दरअसल बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक साइक्लोन का दबाव बना जिसके चलते एक चक्रवाती तूफान उठा जिसे मिचौंग नाम दिया गया। इसका असर ऐसा हुआ कि तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई डूब गई, भारी बारिश हुई, शहर डूब गया, हवा में उड़ने वाले जहाज पानी में तैरने लगे, सड़क पर गाड़ियां स्विमिंग करती हुई नजर आई। वहीं ये तूफान आज आंध्र प्रदेश से भी टकराया जिसकी वजह से आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पांडिचेरी और तेलंगाना में रेड अलर्ट जारी किया गया।
इसका असर अब देश के कई राज्यों में देखने को मिलेगा, जहां मूसलाधार बारिश और तूफान आने की संभावना है, जिसमें उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बिहार का कुछ भाग, छत्तीसगढ़, तेलंगाना समेत कई राज्य शामिल हैं। तूफान की गति करीब 90 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे से लेकर 110 किलोमीटर प्रति घंटे रहने की संभावना है। इस तूफान से भारी तबाही के संकेत। खबर यह है कि तूफान की वजह से चेन्नई में कई लोगों की मौत हो चुकी है। अब तूफान का असर अन्य प्रदेशों में दिखने वाला है। एक तरफ चेन्नई में तूफान कहर बरपा रहा है, तो वहीं इसका असर छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिल रहा है। राजधानी रायपुर से लेकर दुर्ग कोरबा से लेकर महासमुंद तक, जगदेवपुर से कोंडागांव और मुंगेली से लेकर बिलासपुर तक इसका असर देखने को मिल रहा है। कई जिलों में लगातार बारिश हो रही है, तो कई जिलों में आंधी तूफान आने के संकेत हैं। दुर्ग का आसमान बादलों से ढक गया, तो वहीं कोरबा बिलासपुर में बारिश के बाद पारा लुढ़क कर 16 डिग्री तक पहुंच गया। मतलब साफ है कि तूफान की वजह से आने वाले एक दो दिन में कड़ाके की ठंड पड़ने वाली है। मौसम विभाग की माने तो प्रदेश में अगले 3 दिन तक तूफान का असर देखने को मिलेगा। आंध्र प्रदेश के तटीय इलाके में आए तूफान से कई ट्रेनों को कैंसिल कर दिया। मौसम विभाग के एडवाइजरी के चलते छत्तीसगढ़ के करीब 6 ट्रेनें कैंसिल कर दी गई। बिलासपुर से चलने वाली बिलासपुर तिरुनेलवेली एक्सप्रेस 5 दिसंबर तक नहीं चलेगी। वहीं एर्नाकुलम से चलने वाली एर्नाकुलम बिलासपुर एक्सप्रेस 6 दिसंबर तक नहीं चलेगी। कोरबा कोचुवेली एक्सप्रेस भी 6 दिसंबर तक कैंसिल है। कई और ट्रेनें भी कैंसिल कर दी गई हैं। अगले 2 दिनों तक दक्षिण भारत में आए तूफान का आकलन किया जाएगा, जिसके बाद रेलगाड़ियों के परिचालन पर फैसला लिया जाएगा। देश के दक्षिणी हिस्से में तूफान आया है। तूफान के साथ परेशानियां भी आई है। सड़कों पर लबालब पानी है, मुश्किल में जिंदगानी। और मुश्किल भरी जिंदगी में सड़क पर मगरमच्छ भी दिखने लगे हैं। बारिश इतनी मूसलाधार हुई है कि सड़क पर मगरमच्छ चलने लगा है, जिसकी तस्वीर सामने आई है। मगरमच्छ शहर के इलाके में पाया गया, जो झाड़ियों में गायब होने से पहले किनारे पर रेंगते नजर आया, तो वहीं पास से एक स्कूटी वाला भी गुजरता नजर आया। गनीमत रही कि उसके गुजरने से पहले मगरमच्छ नीचे उतर गया और स्कूटी सवार बाल बाल बच गया। मगरमच्छ के दिखने से इलाके में दहशत का माहौल है। चौबीस नवंबर को शुरू हुई जगतगुरु रामभद्राचार्य की रथ यात्रा आज राजधानी भोपाल पहुंची। रथ यात्रा का स्वागत सीएम शिवराज ने किया। इस रथ की आगवानी के साथ पूजा अर्चना कर उसे रवाना किया। रथ यात्रा ने अब तक करीब 26,000 किलोमीटर का सफर तय कर लिया है। वहीं बताया जा रहा है कि रथ यात्रा 16 जनवरी को अयोध्या पहुंचेगी। इस रथ को परम पूज्य जगतगुरु रामभद्राचार्य महाराज ने 24 नवंबर को ध्वज दिखाकर रवाना किया था। यात्रा उत्तर भारत के बीकानेर, हरिद्वार, मुरादाबाद, गाजियाबाद, दिल्ली, मथुरा समय देश के विभिन्न इलाकों से निकल रही है। सीएम शिवराज रथ यात्रा को लेकर पूरी तैयारी में जुटे थे। जब यात्रा भोपाल पहुंची तो सीएम ने इसका स्वागत किया। चांदी की पालकी, फूलों की सेज, आगे बैंड बाजा, साथ साथ भक्तों का सैलाब, शस्त्र से जवान सलामी दे रहे हैं, ये सब उज्जैन में देखने के लिए मिला। जब बाबा महाकाल एक बार फिर भक्तों का हाल जानने के लिए भ्रमण पर निकले, इस दौरान उनको चांदी की पालकी में बिठाया गया। पालकी को फूलों से सजाया गया और उनके सवारी में हजारों लोग शामिल हुए। महाकाल की एक झलक पाने के लिए सड़क के दोनों ओर भक्तों का सैलाब दिखा। बाबा महाकाल सावन के महीने में मंदिर से बाहर निकलकर चांदी की पालकी में सवार होकर अपनी प्रजा का हाल जानने निकलते हैं। वहीं कार्तिक और अगहन माह में भी तीसरी बार बाबा सवारी के लिए निकले हैं। इस दौरान बाबा महाकाल के दर्शन के लिए भक्तों की भीड़ नजर आई।
एमपी में चुनावी नतीजों के बाद नेता रिलैक्स मोड में नजर आ रहे हैं। एक ऐसी ही तस्वीर शिवराज सिंह चौहान की आई है, जहां वो एक रेस्टोरेंट में फैमिली के साथ दिखे। चुनावी भाग दौड़ और बीजेपी की बम्पर जीत के बाद सीएम शिवराज अब अपने परिवार के साथ फुर्सत के पल बिता रहे हैं। शिवराज अपने परिवार के संग एमपी नगर के एक रेस्टोरेंट में डिनर के लिए पहुंचे। इस दौरान पत्नी साधना सिंह और दोनों बेटे भी साथ दिखे। सीएम शिवराज एक बार फिर सादगी के लिए मशहूर हुए। इस बार वे आम लोगों के बीच खाना खाते नजर आए। रेस्टोरेंट में मौजूद एक परिवार के साथ उनके बच्चे के जन्मदिन की खुशियां भी बांटी और केक भी कटवाया। डिनर के बाद शिवराज दूध जलेबी का स्वाद लेते नजर आए, तो वहीं डिनर के समय छोले भटूरे का स्वाद चखा। अपने व्यवहारिक और सरल स्वभाव के लिए पहचान जाने वाले सीएम शिवराज से परिवार के लिए लंबे समय बाद समय निकालने का जब सवाल पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि पूरा प्रदेश ही मेरा परिवार है और मैं लगातार इन लोगों के बीच जाता रहता हूँ। सीएम ने कहा कि बहुत सारे लोग अपने जन्मदिन पर डिनर करने आए थे, उनकी खुशियों में मैं भी शामिल हुआ, मुझे अच्छा लगा। छत्तीसगढ़ में सरकार बदल गई है और पुलिस प्रशासन भी बदले बदले अंदाज में है। निगम भी बदले अंदाज में काम करने जुट गया है। दरअसल बिलासपुर में नगर निगम ने अतिक्रमण पर कार्रवाई की है। निगम ने शराब दुकान के पास चल रहे चकने की दुकान पर बुलडोजर चलाया है। पुराना बस स्टैंड स्थित शराब दुकान के सामने अवैध रूप से दुकान चल रही थी, जिसके बाद निगम ने कार्रवाई करते हुए दुकान को तोड़ डाला और बस स्टैंड के एरिया को अतिक्रमण मुक्त कराया है। कार्रवाई के दौरान निगम अमला दल बल के साथ मौके पर मौजूद रहा। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में भाजपा ने प्रचंड जीत दर्ज की है। बीजेपी की जीत के बाद अब यहां बुलडोजर की एंट्री हो गई है। राजधानी रायपुर में अवैध रूप से चल रहे चौपाटी पर बुलडोजर चलाया गया। दरअसल राजधानी रायपुर के मोतीबाग स्थित सालेम स्कूल के पास अवैध रूप से चल रही चौपाटी पर कार्रवाई करने पुलिस प्रशासन के साथ नगर निगम की टीम वहां पहुंची। हालांकि स्थानीय दुकानदारों ने निगम की इस कार्रवाई का विरोध किया। दुकानदारों का कहना है कि नगर निगम की टीम बगैर किसी सूचना के कार्रवाई करने पहुंची। बताया जा रहा है कि इस इलाके में दुकानदार चौपाटी के नाम पर सड़क पर काफी आगे तक दुकानें लगाते हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक की स्थिति निर्मित हो जाती है। बता दें कि सोमवार को मोतीबाग के सामने स्थित सालेम गर्ल्स स्कूल की छात्राओं ने शिक्षिकाओं के साथ स्कूल के सामने सड़क पर हाथों में तख्ती लेकर प्रदर्शन किया। तख्ती में स्कूल की दीवार से लगकर रोज शाम के समय लगने वाली अवैध चौपाटी को तत्काल हटाने की मांग लिखी थी। अब बात भोपाल की, जहां एक युवक को तालिबानी सजा दी गई। ये किसी रक्त रंजित फिल्म की कहानी नहीं बल्कि एक डरावनी सच्चाई है, जो राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 46 भोपाल ब्यावरा मार्ग पर तालिबानी अंदाज में घटित हुई है। दरअसल मृतक संदीप नकवाल राजस्थान में रिश्तेदार की शादी में गया था। इसी शादी में भोपाल के गोविंदपुरा पिपलानी के रहने वाले संजीव नकवान और राजू अपनी कार से पहुंचा था। वापसी में संजीव के साथ कार में मृतक संदीप भी बैठा, मगर उसे नहीं मालूम था कि उसके जीवन का ये अंतिम सफर होगा। इसी बीच नरसिंहगढ़ कुरावर के मध्य किसी ढाबे पर इन लोगों ने शराब पी और खाना खाया। इसी दौरान किसी बात को लेकर इन तीनों में झगड़ा हो गया। इसके बाद कुरावर श्यामपुर और दौराहा थाना क्षेत्र के मध्य में आने वाले हाईवे पर उसे मौत के घाट उतार दिया गया। युवक को 28 किलोमीटर तक हाईवे तक घसीटा गया, जिसमें उसके शरीर के चिथड़े उड़ गए और उसकी मौत हो गई। इस घटना की खबर पुलिस को दी गई। पुलिस ने आरोपी संजीव नकवाना और ड्राइवर राजू को गिरफ्तार कर लिया है। बालाघाट से एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसे देखकर आप दंग रह जाएंगे और वीडियो से नजर नहीं हटा पाएंगे, जिसमें एक जंगली सुअर और बाघ के बीच दंगल देखने को मिला, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। ये वीडियो वारासिवनी क्षेत्र के रमरमा से सटे जंगल का है, जिसमें देखा जा सकता है कि बाघ और जंगली सुअर एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं। वहीं लड़ाई के दौरान भागते हुए नजर भी आता है बाघ। कहीं ना कहीं बाघ की दहाड़ जंगली सुअर के सामने धीमी पड़ जाती है। वहीं मौके पर मौजूद ग्रामीण इसका वीडियो बना लेते हैं और सोशल मीडिया पर अपलोड भी कर देते हैं, जो कि अब तेजी से वायरल हो रहा है।
अंबिकापुर में चोरों का आतंक है। हैरानी की बात होगी कि अब महिलाएं भी चोरी की घटना को अंजाम देने के लिए सक्रिय हैं। एक ऐसी तस्वीर सामने आई जहां एक महिला किराना दुकान में चोरी करते पकड़ी गई। वो साड़ी के अंदर चोरी का सामान छुपा रखी हुई थी। दुकानदार को जब शक हुआ तो जांच करवाई गई। फिर जो नजारा दिखा उसे देख हर कोई हैरान रह गया। ये वीडियो देवीगंज रोड स्थित किराना स्टोर का है। अब महिला का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बैतूल में स्वास्थ्य सेवाओं और सिस्टम की पोल खोलती एक तस्वीर देखने को मिली। यहां भीमपुर ब्लॉक के भटबोरी गांव में एक गर्भवती महिला को प्रसव पीड़ा होने पर विभाग की अनदेखी का शिकार होना पड़ा। ग्रामीणों ने एम्बुलेंस सर्विस को फोन किया लेकिन एम्बुलेंस समय पर नहीं पहुंची। महिला के परिजनों के पास उसे अस्पताल ले जाने का कोई साधन नहीं था। ऐसे में परिजनों ने एक चादर से झूला बनाया और उसमें महिला को लेटाकर पैदल ही मुख्य सड़क तक ले गए। ग्रामीणों को ऐसे ही नदी भी पार करनी पड़ी। जबलपुर में किसान अपनी फसल की उचित मूल्य नहीं मिलने के बाद चिंतित हैं। किसानों का कहना है कि मंडी में दलालों की मनमानी की वजह से मटर का उचित दाम नहीं मिल पाता। आलम यह है कि किसान की मेहनत को व्यापारी रद्दी के भाव खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। 20 रुपए तक बिकने वाला मटर 2 रुपए किलो बेचने को मजबूर हैं किसान, जिससे उन्हें लाखों का नुकसान हो रहा है। किसानों का कहना है कि मटर की फसल उगाने में उन्हें प्रति एकड़ 30 से 40 हजार रुपए लागत आती है, लेकिन व्यापारी उसे इतनी कम कीमत में खरीदना चाहते हैं जिससे मजदूरी भी नहीं निकल पा रही। मटर की उपज लेकर मंडी पहुंचे किसानों को जब व्यापारियों ने उचित दाम नहीं दिया तो जिले के हजारों किसानों ने अपने ट्रैक्टर और अन्य वाहन कृषि उपज मंडी के मार्ग पर खड़े कर सड़क को जाम कर दिया। इस दौरान मंडी आने जाने वाले व्यापारियों के ट्रक भी जाम में फंसे रह गए। किसानों ने कई ट्रकों की हवा भी निकाल दी। बहरहाल देर रात तक चले आंदोलन का कोई निष्कर्ष नहीं निकला और एक तरफ किसान आंदोलन करते रहे, दूसरी तरफ अधिकारी बातचीत करने की कोशिश करते रहे। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय इंदौर एक विधानसभा सीट से चुनाव जीत गए हैं। इसके साथ ही इंदौर जिले में कांग्रेस का सूपड़ा साफ हो गया है। जिले की सभी 9 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली है। कैलाश विजयवर्गीय की जीत से उनके समर्थक काफी उत्साहित हैं। उन्हें मुख्यमंत्री बनाने की मांग करने लगे हैं। रिजल्ट घोषित होने के बाद एक समर्थक उन्हें मुख्यमंत्री लिखा नेम प्लेट दे दिया। कैलाश विजयवर्गीय उस नेम प्लेट को लेकर मुस्कुरा रहे हैं। उसकी तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। इस जीत के बाद पार्टी के इंदौर कैलाश विजयवर्गीय का कद बढ़ गया है। उनके प्रभाव वाले क्षेत्र में बीजेपी को बड़ी जीत मिली है। ऐसे में मांग जोर पकड़ने लगी है कि कैलाश विजयवर्गीय को सीएम बनाया जाए। हालांकि कैलाश विजयवर्गीय इस पर चुप्पी साधे हुए हैं। सिपाही की पत्नी ने ऑनलाइन गेमिंग ऐप पर जीते हैं 1 करोड़ रुपए। ये है संत कबीर नगर की रहने वाली अर्चना त्रिपाठी। अर्चना के पति देवेश मिश्रा संत कबीर नगर जिले के जिला कारागार में सिपाही के पद पर तैनात हैं। अर्चना को क्रिकेट में रुचि है। वो बेहद ही ध्यान से क्रिकेट मैच देखती हैं और उसकी बारीकी भी समझती हैं। अर्चना को ऑनलाइन गेमिंग ऐप पर क्रिकेट पर पैसे लगाने का शौक है। इस बार भारत ऑस्ट्रेलिया T20 सीरीज के दौरान अर्चना ने मैच पर बैटिंग की। उन्होंने बेहद ही ध्यान से अपनी टीम चुनी और उनका हर दांव बिल्कुल सही लगा। उन्होंने जिन खिलाड़ियों पर दांव खेला वो हिट रहे और उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया, जिसका नतीजा ये हुआ कि उन्होंने 1 करोड़ रुपए जीत लिए। इंडिया ऑस्ट्रेलिया T20 सीरीज के दौरान अर्चना त्रिपाठी ने ऐप पर सट्टा लगाया था, जिसमें जीतकर वो करोड़पति बन गई। भक्ति से सराबोर, रोशनी से नहाई,
सचती सवरती अपने आराध्य के स्वागत में चमचमाती भगवान राम की नगरी अयोध्या हजारों श्रद्धालुओं को खुली बाहों से अपना बनाने को तैयार। अयोध्या की हर गली हर कूचे में राममय हो चुका है। ये वही अयोध्या है जहां की हवाओं में भी रघुवर का नाम खुला है, जहां के कणकण को तराशा जा रहा, यहां का हर कोना सौंदर्य शोभा और कांति की छटा को समेटे हुए है। ये सारे खास इंतजाम सजावट के तमाम आयाम और जोर शोर से अयोध्या को सवारने और सजाने की तैयारी की जा रही। सब कुछ बेहद खास तरीके से अंजाम दिया जा रहा, क्योंकि लंबे इंतजार के बाद वो ऐतिहासिक पल बस आने को है जिसका इंतजार राम भक्त पिछले 500 साल से कर रहे हैं। इंतजार जितना लंबा, अंजाम उतना ही खूबसूरत और आत्मीय। मंदिर से जुड़ी हर चीज हर तैयारी ऐसी कि जो भी देखे मंत्रमुग्ध हो जाए। मंदिर में लगाए जाने वाले घंटे भी कई मायने में बेहद खास हैं। भव्य राम मंदिर में लगने वाला 2100 किलो का यह विशालकाय घंटा बनकर लगभग तैयार हो चुका है। इसे उत्तर प्रदेश के एटा जिले के जलेसर में बनाया गया है। किसी की खूबसूरती में बाल अहम भूमिका निभाते हैं। इनका ख्याल रखने के लिए लोग हर महीने हजारों रुपए खर्च करते हैं, लेकिन क्या हो अगर इन्हीं बालों के बल पर कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड बना ले तो? सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे, लेकिन प्रयागराज में कुछ ऐसा ही हुआ है। यहाँ की स्मिता श्रीवास्तव ने विश्व में सबसे लंबे बालों को रखने का वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया है। स्मिता श्रीवास्तव के लंबे बालों का रिकॉर्ड गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो चुका है। प्रयागराज के अल्लापुर में रहने वाली 46 साल की स्मिता श्रीवास्तव के बालों की लंबाई 236.22 सेंटीमीटर यानी कि 7 फीट 9 इंच है। स्मिता श्रीवास्तव बताती हैं कि बचपन से ही अपने बालों को लेकर सावधान रहती थी। जब शादी वाली फोटो उनकी सासू माँ देखी तो उनको उनके लंबे बाल पसंद आए थे। 22 साल पहले हुई शादी में उनके बाल कमर तक लंबे थे। शादी के बाद सासू माँ और पति को जब लंबे बाल पसंद आने लगे तो विचार आया कि अब हम बालों को क्यों ना और लंबा करें। बचपन से ही बालों की शौकीन होने के नाते हुआ सर से टूटने वाले बाल को आज तक कभी नहीं फेंकी। पिछले 20 सालों के बालों को इकट्ठा करके रखी है।